भारतीय सेना हमेशा से ही अपने देशवासियों की सेवा के लिए तत्पर रहती है, ये तो हम जानते ही हैं। लेकिन भारतीय आर्मी में जो रोमियो स्क्वाड है और राष्ट्रीय राइफल मेंडर अपने अलग काम के लिए भी जाने जा रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने एक अनाथ लड़की की शादी में मदद करने की जो इनकी कोशिश है उन्हें काफ़ी सराहा जा रहा है। तब बता दें कि ये महिला 5 साल की उम्र से उनके माता पिता में जब लड़ाई हुई तब से उनसे अलग रहती थी और कुछ देर बाद इन्हें ऑर्फनेज में डाल दिया गया था, जिसके बाद अब जब इनकी शादी हो रही थी तो भारतीय सेना जो है सामने आई और उनकी शादी में मदद की, जिसे पूरा देश जो है काफ़ी उसकी सराहना कर रहा है। तो आइए देखते हैं। सरपंच मुस्तफ़ा नगर गोलर, जहाँ ये जो नारी निकेतन में ये 3 बच्ची का जो रोमियो फोर्स इंडियन आर्मी ने जो मैरिज करवाई है, आपने खतरे पर करवाई है, हम इस बात से सब लोग यहाँ के खुश हैं और इंडियन आर्मी ने जो बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है और ये जो यतीम बच्चियों का सहारा बन के उनका ज़िंदगी के लिए उन्होंने एक सोचा है कि ताकि यतीम बेसहारा बच्चियों को एक लाइफ पार्टनर मिल जाए, जिसकी वजह से उन्होंने ये सोच कर ये शादी करवाई है। खुश है और इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं, ख़ासकर रोमियो फोर्स जो मेंडर में तैनात है।